सीतामढ़ी जिले के उत्पाद विभाग ने एक बड़ी सफलता पाई है। विभाग ने गुप्त सूचना पर महिंदवारा थाना क्षेत्र ताहिरपुर गांव में छापेमारी कर 15,000 लीटर स्प्रिट पकड़ा है। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि उत्पाद अधीक्षक को गुप्त सूचना करीब रात्रि 12 बजे मिली कि जिले के महिंदवारा थाना क्षेत्र के कोलपुर की शराब माफिया की एक बड़ी खेप ट्रक और ट्रैक्टर में माध्यम गाँव की ओर लाया जा रहा है। मिली सूचना अधीक्षक ने पूरे दल बल के साथ उत्कव में छापेमारी की। पुलिस देख इसके कारोबारी ट्रक ट्रैक्टर और मिनी टाटा 407 को छोड़कर भागने में सफल रहा। वहाँ उन्होंने बताया कि 5 करोड़ रुपए का विदेशी शराब बनाया जा सकता था और इसके लिए हमारी जो एक्साइज सुप्रिंटेंडेंट है उनकी पूरी टीम है जो रात तक लगी हुई थी और जिस सूचना के आधार पर 3 ट्रक पकड़ी गई है, जिसे 12 चक्के की जो ट्रक है वो पंजाब की नंबर की गाड़ी है और यह इसका चलान जो है वो चावल के लिए बताया गया था, जबकि यहाँ पे एचपी में पाया गया। इसके अलावा टाटा ट्रक है जो 407 और एक ट्रैक्टर आइसर का पकड़ा गया है जो कि लोकल है। इसे 5 नामजद बनाए गए हैं क्योंकि अंधेरे का लाभ उठा के 5 लोग फरार हो गए हैं, लेकिन क्योंकि नेम्ड FIR है इसीलिए इन लोगों को हम जल्दी ही गिरफ्तार भी कर पाएंगे। सर, इतनी बंदिशों के बावजूद इतनी बड़ी खेप के बावजूद? निश्चित रूप से ये बहुत ही चिंतनीय है क्योंकि नेपाल बॉर्डर है और हम लोग इसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो शराबबंदी का अभियान है उसको हम लोग को सफल बनाना है और इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी शराब इस बड़े पैमाने पर पकड़ा जाना हमारे लिए भी चिंता की बात है और इसको हम लोग और भी कड़ाई के साथ देखेंगे और पकड़ेंगे। जितने भी है उसके कड़ा से कड़ा हम लोग एक्शन लिए जा रहे हैं।